देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं शास्त्री महाशय को साथ में लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ एक दोस्त जैसा बर्ताव नहीं किया है, लेकिन पूजा के दिन तो ये अपनी दुश्मनी भूल जाओ और एक साथ खड़े होकर पुष्प अर्पण करो। तुम जाओ, जाके उन्हें प्रणाम कर लो, तुम्हारी सारी दुश्मनी मिट जाएगी। आजकल कुछ लोगों को लग रहा है कि धर्म के नाम पर हम लोग बिना किसी कारण लड़कियों पर रोक लगा रहे हैं। क्यों भाई राजचंद्र, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तुम तो कुछ गलत कह नहीं सकते राधाकांत। उस पर जब शास्त्री महाशय ने बोल दिया है तो उनकी बातों पर और बातें नहीं हो सकती। आप हो? ऐसे बचपना क्यों किया आपने, बताइए? दिया गिर गया ना, आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर कोई हमें देख लेता तो क्या होता, बताइए? क्या होता? सब तुम्हें बेहया कहते। और आपको देख के अच्छा लगता है ना? मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी, आप जाइए। आनंदी, मेरी तरफ देखो। मेरी बात सुनो। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। छोड़िए, आप अभी जाइए ना यहाँ से। आनंदी, छोड़ दूँ तुम्हें? ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूं। लेकिन आनंदी, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन आज के दिन के लिए अफसोस करोगी। आज के दिन की बातें याद आएंगी। नहीं, नहीं। आप पूजा के दिन ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी अपनी जो इच्छा है आप वही कीजिए। सिर्फ ऐसे पूजा के दिन माँ के सामने चले जाने की बात मत कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो? अरे बाबा, इसमें रोने की क्या बात है? अगर आप चले गए तो मेरा मेरा क्या होगा? मैं तो सोच भी नहीं सकती क्या आपके बिना मेरा। अरे बाबा, मजाक ही नहीं समझती, मैंने तो ऐसे ही कहा था। आनंदी, क्या मैं महापुरुष हूँ कि जो मैं कहूंगा वही हो जाएगा? रोना मत आनंदी। रोना मत, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ आनंदी। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? दिए क्यों नहीं जलाए? आरती का समय हो रहा है, नहीं जाओगी? और कितना रोगी, आंखों से चाहे कितने भी आंसू बहा लो, पर जो चला गया है वापस नहीं लौटेगा। सिर्फ मन उदास होगा। भूलना तो चाहती हूँ लेकिन उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ। वो तो मेरे लिए सब कुछ थे, मेरी जी जान में। वो अब भी समाये हुए हैं दादी। आज इस खुशी के दिन में मुझे उनके बहुत याद आ रही है दादी माँ, बहुत याद आ रही है। मैं तो किसी भी हाल में भूल नहीं पा रही हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी?
मैंने कौन सा पाप किया था दादी माँ, कौन सा पाप किया था कि सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही बितानी पड़ेगी। रो मत बड़ी बहू, रो मत। पता है बड़ी बहू, तेरे दादाजी जिस साल चल बसे थे, उस साल घर में एक छोटी सी पूजा हुई थी। माँ दुर्गा से मैंने पूछा था, माँ मुझे ऐसी सजा क्यों दी आपने? बात में समझी कि होनी को कौन टाल सकता है भला। ये मान लेना पड़ता है। मैं मान नहीं पा रही हूँ दादी माँ, मैं मान नहीं पा रही हूँ। अच्छा, माँ से प्रार्थना कर कि तुझे और शक्ति दे। विधवाओं के पास आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं होता। घर में पूजा हो रही है, कितना आनंद है। ये सब छुप के देखकर अपने दिल को खुश रखो, नहीं तो तू जी नहीं पाएगी, नहीं जी पाएगी, नहीं जी पाएगी। यहाँ है, आप ही को तो ढूंढ रही थी। तब आपने आरती नहीं ली थी ना, अंदर चले गए थे। लीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। स्वस्थ और निरोगी रह के क्या लाभ होगा रानी, अगर अच्छा काम ना कर पाऊँ? रास्ते में कुत्ते बिल्ली की तरह पड़े रहना और इसके बाद एक दिन मर जाना, कोई याद नहीं रखेगा रानी। ये सब आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जब इंसान के रूप में जन्मा हूँ तो समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ भला करके जाना ही इंसान का कर्तव्य होता है। तो फिर इंसानों की मदद कीजिए ना, पिताजी कहते थे हमेशा इंसान का भला सोचना चाहिए। इसलिए तो कह रहा हूँ रानी, तुम्हें बहुत बड़ा बनना होगा। तुम्हारे अंदर जो भी संभावनाएं हैं, मैं उन सबको बाहर लाऊंगा। तुम्हारे आस पास मैं कोई रोक टोक का दायरा नहीं रहने दूंगा रानी। आपको अचानक क्या हो गया, यहाँ पर खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? हटिए जरा, किसी ने देख लिया तो कि हम यहाँ पर इस तरह से बातें कर रहे हैं तो फिर मेरी बुराई करेंगे। रानी, मैं तुम्हारी और बुराई नहीं होने दूंगा। मैंने बहुत देख लिया, बहुत सहन कर लिया, लेकिन और नहीं। आज पूजा के दिन मैं शपथ लेता हूँ, कोई तुम्हारी बुराई करे ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़ी बनो, बहुत बड़ी, मुझसे भी बड़ी। जी जी, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं एक साधारण लड़की हूँ, मैं आपसे बड़ी नहीं बन पाऊंगी, मैं आपसे बड़ी बनना भी नहीं चाहती हूँ। आपने मुझे अपने पैरों में जगह दी है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। ऐसे क्यों देख रहे हैं? हटिए जरा, मैं कब से यहीं पर खड़ी हूँ, दिया लेके वापस जाना है ना। रानी, जैसे शिव और शिवानी एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, ठीक वैसे ही तुम और मैं एक दूसरे के पूरक बनेंगे। एक दूसरे को छोड़कर एक पल भी नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। आओ रानी, आज हमारी पहली पूजा में हम संकल्प करते हैं, आओ। तुम राजी हो ना?
बोलो राजी। कितने दिनों बाद इस घर में कवि लोग आए हैं और गाना गा रहे हैं। सुना है छोटे मालिक ने खुद दाशु कवि और मधु कवि को बुलाया है। इस बार तो बहुत मजा आने वाला है। दो श्रेष्ठ कवियों की जुगलबंदी होगी। बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। वो तो अभी तक आई नहीं है। पुत्तू, ओ पुत्तू, छोटी बहू को जाकर बुला ला बेटी। उसने तो कभी सम्मेलन आज तक नहीं देखा। यहाँ आकर देखेगी कि कवियों की जुगलबंदी आखिर कैसे होती है। सुन पुत्तू, छोटी बहू को अच्छी तरह सजा के ठीक से तैयार करके लेकर आना, ठीक है? सुना है घोष परिवार, मित्र परिवार की बहुएं भी यहाँ पर आ रही हैं कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए। वो लोग तो छोटी बहू को पहली बार ही देखेंगी। सोन जोगी, तेरी उस बहू के पास अकल तो है नहीं। कहीं वो यहाँ आकर फिर से कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। बस ऐसा कुछ भी करने से हमारे दास परिवार की बहुत बदनामी होगी। छोटी, तू बेकार की बातें कर रही है। छोटी बहू तो लक्ष्मी का रूप है। रंगोली बनाती है, फूल बिछाती है, खाने के बर्तन धो देती है, चंदर को संभालती है। नहीं तो बोंकू की बातों से उसे गुस्सा ना आए, ऐसा हो सकता है? शास्त्री महाशय के सामने भी चंदर शांत रहा। ये सिर्फ पत्नी कर सकती है कि नहीं? पत्नी के अलावा और कौन मना पाएगा? सही कहा आपने चाची माँ। पिछली बार की बात याद है आपको? कबूतर उड़ाने को लेकर मेरा चंदर कितना चिल्ला रहा था। बड़ी बहू भी किसी भी तरह से उसको मना नहीं पा रही थी। अपने पिताजी के साथ कितना बहस कर रहा था वो। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो बताओ तो? मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा। वो लड़का पत्नी के हाथों पुतला बनके नाच रहा है और तुम लोग खुश हो रही हो। किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के पीछे घूमना चाहिए? तुम लोगों की बातें मुझे तो समझ में ही नहीं आती है। क्या रे पुत्तू, तुझे बोला ना, जल्दी जा, जाके छोटी बहू को बुला ला। जाती हूँ। पुत्तू तू बैठ, मैं बुला कर लाती हूँ। पहनना ना बहुत परेशानी की बात है। अब मैं क्या करूं? इसे तो मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ। धन बाबा, कोई यहाँ है भी नहीं जो मुझे ये हार पहना सके। अब मैं क्या करूं इस हार को लेकर?
अगर ये हार नहीं पहन के जाऊंगी तो सब मुझे फिर से डांटेंगे, कहेंगे कितना समय हो गया है इस बहू को इस घर में आए हुए, अब तक हार पहनना नहीं सीखा। सच ही तो है, सब लोग कितने अच्छे से गहने पहनते और मुझे कुछ भी नहीं आता। ये तो मेरा भी कमरा है ना रानी, मैं खुद के कमरे में नहीं आ सकता। मैं दान का सामान लेने के लिए कमरे में आया था और देखा कि तुम गहनों को लेकर फिर से समस्या में पड़ गई हो। आप बात करके ना समय बर्बाद मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। तुम्हारे अंदर काफी परिवर्तन आया रानी। पर क्यों? पहले देखता था ससुराल के कायदे नियम तुम्हें पता नहीं थे, पर अभी देख रहा हूँ तुम्हें समझ आने लगे है ना। आप मुझे और डांट मत खिलाइए। हाँ जोड़ के बोल रही हूँ आपसे, मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से, चले जाइए ना आप। जाने के लिए कह रही हो? ठीक है, इसके बाद जब मैं नहीं, कुछ मत बोलना देवा जी, आगे कुछ मत बोलिए। दीदी आंखें खोलो, दीदी क्या हुआ आपको? भाभी दीदी क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए ना दीदी। कुछ बोलिए ना दीदी, क्या हुआ आपको? दीदी आंखें खोलिए ना। भाभी मत जाइए, आप कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। ओ दीदी आपको क्या हुआ है दीदी? ये सब आप क्या कह रही हैं दीदी? आपसे कितनी बार कहा है कि उपवास मत रखिए, लेकिन आप तो मेरी कोई बात नहीं सुनती है। धीरे धीरे, इस बार पूजा में पुरानी बातें याद आ रही है देवर जी, इसीलिए बेहोश हो गई थी। तुम अपनी पत्नी से इस तरह की बात कभी मत करना, कभी भी कहीं जाने की बात मत करना अपनी पत्नी से। तुम्हारे भैया ने भी ऐसा ही कहा था। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, लेकिन आनंदी जब मैं नहीं रहूंगा उस दिन आज के दिन के लिए अफसोस करूंगी, आज के दिन की बात याद आएगी। लेकिन उसी साल वो इस दुनिया से चले गए, बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें मैं नहीं रोक पाई। मैं आराम से दीदी, आराम से। बहू मैं चलती हूँ, तुम पूजा के मंडप में आ जाना। देवर जी तुम इसे लेकर पूजा के मंडप में आ जाओ, माँ जी ढूंढ रही है। पहले मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। धत पागल लड़की, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, वो इतनी जल्दी मुझे अपने पास नहीं बुलाएंगे।
इतने अच्छे मेरे भाग्य नहीं है। मैं चलती हूँ। मैंने सुना है पहले आप दीदी का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अब आप क्यों उनका ख्याल नहीं रखते हैं? रखता हूँ ना। अच्छा, भाभी को जिस चीज की जरूरत हो वो तुम हमसे मांग सकती हो। हाँ, ये सही है कि आजकल काम की वजह से उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। दीदी बहुत दुखी है, मैं सब समझती हूँ। जब मेरी माँ सबको छोड़कर चली गई थी तो मेरे पिताजी छुप छुप कर रोते थे। सबने पिताजी से कहा था दूसरी शादी करने के लिए, पिताजी ने किसी की बात नहीं सुनी। पिताजी कहते थे क्या रघुवीर कभी सीता मैया के सिवा किसी और से शादी करने की सोच सकते थे क्या? क्या महादेव पार्वती माता के सिवा किसी और से प्यार कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। एक जन्म में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया जा सकता है, और जिससे सच्चा प्यार हो उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, है ना? बताइए। प्रणाम करता हूं बाबू महाशयों को। आज इस जान बाजार में विकसित हुए हैं शोभा बाजार की शोभा। कुशल विद्वान देव बहादुर वंश के प्रतीक राधा कांत देव महाशय, उनके चरणों में कवि मधु का सशस्त्र प्रणाम। जय हरि, जय गुरु। आज कवि मधु को जीतना ही होगा। प्रणाम। आज इस जान बाजार में दास महल के मंडप में दास वंश के प्रतीक दयावान राजचंद्र दास को इस दाशु कवि का शत कोटि प्रणाम। प्रणाम सबको, मां जननियों को प्रणाम। दिल खोल के गाओ भाई, जलसे में मजा आना चाहिए। किस चीज की लड़ाई है आज? लड़ाई तो बाद में होगी, पहले देवी माँ की वंदना कर लेते हैं। कहाँ हो? पहले देवी वंदना कर लेते हैं, आओ। कवि जी, आज की लड़ाई का विषय सबको बताइए। चंद्र महाशय, माँ दुर्गा अपने मायके में आई है, साथ में वो अपने बच्चों को लेकर आई है, लेकिन बताइए क्यों? फिर भी वो क्यों यहाँ अकेली आई है? उस कैलाश पर बाबा महादेव को क्यों छोड़ के आई है? साधु 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 साधु। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है।
बताओ कवि, क्या जवाब दे रहे हो? ये क्या कह रहे हो कवि? माँ तो 10 भुजाओं वाली है, माँ अकेले ही सारे काम कर सकती है। साधु साधु साधु। अप्पू तो दीदी, उस कवि ने क्या बताया? वो कह रहे हैं देवी माँ 10 भुजाओं वाली है, एक तरफ असुरों का वध करती हैं और दूसरी तरफ दुनिया की देखभाल। इसका मतलब समझी? मतलब स्त्रियों में बहुत क्षमता है। क्या हुआ मधु, चुप क्यों हो? दो जवाब दो, बताओ कौन बड़े हैं, शिव या शिवानी? के बिना सती तो किसी ने नहीं सुना होगा, सही कह रहा हूं ना शास्त्री महाशय? लाख टके की बात बोली है बड़ी बहू, पता है लड़कियां चाहे जो भी करें, पति के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन शिवजी और पार्वती माता दोनों मिलके ही तो गृहस्थी संभालते हैं, तो फिर किस बात की बहस हो रही है? बस हो गया ना, यहाँ दास परिवार मार परिवार सबको पता चल गया ना कि चंदर की पत्नी कितनी बातूनी है। अरे हो जोगो माया, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत बात करती है। बातूनी बहू लेकर आई हो तुम? असल में चंदर को चुपचाप रहने वाली लड़की पसंद नहीं है, इसीलिए। छोटी बहू, यहाँ अब और कोई बात मत करना, चुपचाप बैठ के बस गाना सुनो, ठीक है? अचानक ऐसे सब चुप कैसे हो गए? कवि जी, अगर जवाब नहीं पता तो अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। कवि जी, इस बहस का कोई अंत नहीं है क्या? ये सच है कि नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। सच स्वीकार कर लीजिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बात पूछूं आपसे, आज जो कवि माता पार्वती का गाना गा रहे थे, क्या वो हार गए? रानी, माँ दुर्गा देवताओं की शक्ति से प्रकट हुई है, वो महाशक्ति है, माँ दुर्गा को कोई हरा सकता है क्या? तो फिर? रानी, नाना जी से एक कहानी सुनी थी। कहानी? कौन सी कहानी, बताइए ना। एक बार शिव और शिवानी के बीच झगड़ा हुआ था, दोनों में से कौन बड़े हैं उसी को लेकर। एक स्वयं देवों के देव हैं और एक महादेव की पत्नी है पार्वती, कौन बड़े हैं वो साबित कैसे होगा? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शिव जी ने तय किया कि दोनों का नृत्य होगा, नृत्य में जो जीतेगा वही बड़ा होगा। बस दोनों में नृत्य शुरू हुआ, लेकिन कोई किसी से कम नहीं था। उसके बाद शिव भगवान ने क्या किया पता है? शिव जी ने एक मुद्रा में अपने कंधों पर पैर चढ़ा दिया, लेकिन देवी तो नारी है, वो कैसे पैर उठाती, तो उन्होंने खुद को भस्म कर दिया। ईश, सच में?
उसके बाद तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। तब देवी को शिवजी ने बचाया। उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। जिस रूप में वो देवी के साथ हमेशा रह सकेंगे। एक ही शरीर में शिव और शिवानी एक दूसरे के पूरक। जैसे शिव और शिवानी एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, ठीक वैसे ही तुम और मैं एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहेंगे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। क्या अब रोक क्यों नहीं रही हो? हर वक्त क्यों रोकूंगी मैं? ये तो रानी की कुंडली है। कल रानी का जन्मदिन है। महाअष्टमी के दिन रानी का जन्मदिन है। अभी हम लोग अष्ट सखियों के आवाहन पर्व में जाएंगे। महायुद्ध के समय देवी दुर्गा से ही इन अष्ट देवियों का जन्म हुआ था। ब्राह्मणी, कौमारी, महेश्वरी, वैष्णवी, बाराही, नरसिंही, इंद्राणी और चामुंडा। देवी माँ के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं ना? देवी दुर्गा आद्य शक्ति महामाया, इन्होंने ही असुरों का नाश किया, अशुभ शक्तियों का विनाश करके लोगों की आपत्तियों का हरण किया है। जय जय मां दुर्गा, जय मां सिंह वाहिनी, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। पता है छोटी बहू, ये है असुर का नाश करने वाली नारी शक्ति। असुर का मतलब तो पता है ना? पता है, चारों तरफ जो भी बुराइयां हैं, जितना पाप है वही असुर हैं, है ना दादी माँ? सही कहा। असुर तो हमें हर जगह मिलते हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे समाज में हैं। असुरों का नाश करने के लिए देवताओं ने 10 भुजाओं वाली देवी को अस्त्र दिए थे। आज उन सारे अस्त्रों की पूजा होगी। माँ से प्रार्थना कर ताकि तू उनकी तरह 10 भुजाओं वाली बने। समाज के सारे असुरों का तू वध कर सके।
मैं बनूंगी 10 भुजाओं वाली। हाँ छोटी बहू, तेरे अंदर वो शक्ति है, तेरे अंदर दया, प्यार, करुणा सब कुछ है। उनकी शक्ति तुझे बहुत महान बनाएगी। और कभी भी इस दया, प्यार, करुणा का विसर्जन मत करना, विसर्जन मत करना। सोचा था घर से निकलूंगा ही नहीं, लेकिन तुम लोगों के बुलाने से और ये गपशप करने के लिए मुझे निकलना ही पड़ा। लेकिन यहां आने का मेरा और एक उद्देश्य है। भाई बोंकू, मैं अपने हृदय से तुमसे माफी मांगता हूं। जितनी बार सोचता हूं सिर्फ अपने क्षमता प्रदर्शन के लिए इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, उतनी बार मेरा सर शर्म से झुक जाता है। तुम मेरे कैसे मित्र हो राजचंदर? अगर तुम मुझे सच में अपने मित्र मानते हो तो फिर ये माफी वाफी मांगना भूल जाओ। एक मित्र कभी दूसरे मित्र से माफी मांगता है क्या? इसमें तो मित्र का अपमान है। वाह वाह, क्या बात है, सही कहा भाई बोंकू, मित्रों के बीच में माफी मांगने की क्या जरूरत है। उधर मैं नाना जी को भी कुछ समझा नहीं पा रहा। पूजा के समय मेरे मुँह से कड़वी बातें सुनने से उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। तुम बिना किसी कारण के ही दुखी हो रहे हो राजचंदर। मेरे दादाजी भी कुछ कम नहीं थे, नसीब अच्छा था इसलिए थोड़ा ही नुकसान हुआ है। तुम्हारे नाना जी ने तो खुद वैद्य को बुलाकर मेरा इलाज करवाया है, और उन्हें देखकर तो लग रहा था कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। हाँ, वो सब झमेला और लड़ाई दादा महाशय करेंगे, हमारी मित्रता ऐसी ही बनी रहे तो ही अच्छा है। हम लोगों ने सोच के रखा है कि एक दिन पूजा के दौरान तुम्हारे जान बाजार वाली गली में जाएंगे। सुस्वागतम हरि मोहन। ठीक है, आज शाम को आओ। आज जान बाजार के घर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। छोटी बहू को बुलाओ। कौन है? कोई है यहाँ पर? बुलाओ उस राजकुमारी को, शरीर को श्रम देकर यहाँ जल्दी आए। पूजा का समय बीता जा रहा है, उसे ध्यान भी नहीं है। लेकिन कुमारियों के पैर धुलाना कितने पुण्य का काम है, उसे कैसे पता होगा? मुझे नहीं लगता उसने कभी दुर्गा पूजा देखी होगी। आ रही है, आ रही है। और ऐसा मत बोल, छोटी बहू सुन लेगी तो उसे दुख होगा। तू तो इस घर की बेटी है, तुझे तो पता है पूजा के दिन किसी को इस तरह से दुख नहीं देना चाहिए। चलो बहू चलो, कुंवारी लड़कियों के पैर धोने हैं तुम्हें। कुंवारी लड़कियों के पैर धोने से पुण्य मिलता है। चलो चक्रवर्ती पंडित जी, मेरी बहू को जरा बताइए कुंवारी पूजा क्यों होती है? कुंवारी लड़कियां देवी भगवती का सात्विक रूप,
तो एक बार ब्रह्मा जी और देवताएं धरती पर आए थे और देखा एक बेल के पेड़ के नीचे कोई सोई थी, एक छोटी सी कन्या सोई थी। पिघले हुए सोने के जैसा उसका रंग था, एक साड़ी पहनी थी बहुत ही खूबसूरत। उसे देखकर देवताओं ने उसकी आदि देवी कहकर स्तुति की। तब उसकी नींद खुल गई। स्तुति से संतुष्ट होकर देवी ने उग्र चंडी युवती का रूप धारण किया। वो ही कुमारी कन्या बनी देवी चंडिका। उन्होंने ही बनाई है ये सारी सृष्टि। लेकिन वो हमेशा कुवारी ही है। जब कुमारियों की पूजा की जाती है तब ऐसा माना जाता है कि उन कुवारियों के अंदर देवियां हैं। जाओ बेटी, कुवारी लड़कियों के पैर धो। जाओ बहू, जाओ।